हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स लेक्चर्स बाय साक्षी शर्मा आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइमल्टेनिटी के बारे में देखिए साइमल्टेनिटी का मतलब ये होता है जब किसी गिवन रेफरेंस फ्रेम में दो इवेंट्स सेम टाइम पर अकर होती हैं तो उसे हम कहते हैं साइमल्टेनिटी अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इवेंट इवेंट का मतलब होता है जब स्पेस में किसी गिवन टाइम गिवन प्लेस पर अगर कोई भी अकरेंस होती है या कोई भी इंसिडेंट होती है तो उसे हम कहते हैं इवेंट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग साइमल्टिनिटी इज नॉट एब्सल्यूट इट मीन्स साइमल्टिनिटी एब्सल्यूट नहीं होती है बल्कि वेरियंट होती है जैसे किसी एक गीवन रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्वर को अगर दो ईवेंट्स साइमल्टेनियस लग रही हैं तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्वर को जो कि पहले वाले रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव मोशन में है उसको वो दोनों ईवेंट साइमल्टेनियस ना दिखें आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे किसी एक ऑब्जर्वर को अगर दो इवेंट्स एक ही टाइम पर अकर होती हुई नज़र आ रही हैं तो वहीं दूसरे ऑब्ज़र्वर को जो कि पहले वाले ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन में है उसको वो दोनों इवेंट्स एक ही टाइम पर अकर होती हुई ना दिखाई दें देखिए रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर दो इवेंट्स सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली अकर हो रही हैं तो किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जो कि पहले वाले रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव मोशन में है उसमें वो दोनों इवेंट्स एक ही टाइम पर अकर होती हुई या आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली अकर होती हुई ना दिखाई दे अब इसे प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच दैट जो एस टैच फ्रेम है वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से टूअर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस तो यहाँ पर हमने दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर लिए हैं वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज़ एस टैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच दैट जो एस फ्रेम है इसके कार्डनेट एक्सिस हैं एक्स वाई जेड ऑरिजिन है ओ जो एसट फ्रेम है इसके कॉर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और ओरिजिन है ओ डैश यहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो एस फ्रेम है वो एक रेस्ट फ्रेम है या आप कह सकते हो स्टेशनरी है और जो एस टैच फ्रेम है वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो यहाँ पे हमने ओ और ओ डैश एक्सिस पर दो ऑब्जर्वर माने हैं तो आप रिलेटिविटी और साइमल्टिनिटी को इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे अगर एस डैश फ्रेम में कोई दो इवेंट्स एक साथ एक ही टाइम पर अकड़ होती हैं तो एस फ्रेम के ऑब्जर्वर को वो दोनों इवेंट्स एक साथ अकड़ होती हुई दिखाई दे तो इसे हम प्रूव करने के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि दो इवेंट्स अकर हो रही हैं डिफरेंस फ्रेम में दो डिफरेंट पॉइंट्स पर जिनमें एक पॉइंट है एक्स वन डैश और दूसरा है एक्स टू डैश एट टाइम टी वन डैश एंड टी टू डैश रिस्पेक्टिवली अब जो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं पी एंड क्यू तो इनका जो टाइम ऑफ अकरेंस है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम अगर हम देखें यानी कि हम कह सकते हैं एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दोनों इवेंट्स कब अकर होंगी तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जिसके अकॉर्डिंग हम टी वन की वैल्यू लिख सकते हैं टी वन इज इक्वल्स टू टी वन डैश प्लस में वी एक्स वन डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड टी टू की वैल्यू हम लिख सकते हैं टी टू इजिक्वल्स टू टी टू डैश प्लस में वी एक्स टू डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर तो यहाँ पे जो टी वन और टी टू हैं वो टाइम ऑफ अकरेंस है दोनों इवेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम यानी दोनों ईवेंट्स एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में टी और टी टाइम पर अकर होती है फर्दर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो एस डैश फ्रेम में दोनों इवेंट्स हो रही हैं यानी एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं वो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर हो रही है या आप कह सकते हो एक ही टाइम पे अकर हो रही है तो इसका मतलब जो टी वन डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा टी टू डैश के बट जो एक्स वन डैश है वो तो एक्स टू डैश के इक्वल नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा कि वो दोनों इवेंट्स एक्स डैश फ्रेम में दो डिफरेंट पॉइंट्स पर रखकर हो रही है जो है पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली तो इसका मतलब एक्स वन डैश जो है वो एक्स टू डैश के इक्वल नहीं होगा तो अब ये जो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टी वन है ये डिपेंड करता है टी वन डैश और एक्स वन डैश पर और टी टू डिपेंड करता है टी टू डैश और एक्स टू डैश पर तो यहाँ पे टी वन डैश और टी टू डैश तो इक्वल है क्योंकि अभी हमने देखा हमने सपोज़ किया कि वो दोनों इवेंट्स एस डैश फ्रेम में साइमल्टेनियसली अकर हो रही है बट एक्स वन डैश तो एक्स टू डैश के बराबर नहीं है क्योंकि वो दोनों इवेंट्स एस डैश फ्रेम में दो डिफरेंट पॉइंट्स पी और क्यू पर अकर हो रही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी वन इज़ नॉट इक्वल टू टी यानी वो दोनों इवेंट्स एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रही है या आप कह सकते हो एक ही टाइम पर अकर नहीं हो रही है तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी So, this is all about relativity of simultaneity. If you like this video, then please like and subscribe. And if you have any doubt, any query regarding this topic, then you can ask freely in the comment section. Thank you.